वेलकम फ्रेंड्स, आज अपन देखेंगे कि एफटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि एफटीपी प्रोटोकॉल होता कहाँ है। एफटीपी प्रोटोकॉल जो है वो ओएसआई लेयर की एप्लीकेशन लेयर में होता है। एप्लीकेशन लेयर ओएसआई की सबसे फर्स्ट लेयर होती है, जहाँ यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एफटीपी का फुल फॉर्म देखेंगे। एफटीपी का फुल फॉर्म एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सबसे पहले तो नाम है इसका एफटीपी, फाइल स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नाम से ही समझ में आता है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता क्या है। तो जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो होता है, वो क्या करता है कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क में जो कि कंप्यूटर फाइल्स क्लाइंट से सर्वर तक पहुंचाता है। ठीक है, तो इसको अपन देखेंगे। द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड, अभी मैंने बताया ये स्टैंडर्ड प्रोटो नेटवर्क प्रोटोकॉल है, यूज्ड फॉर, अभी मैंने बताया कि ये काहे के लिए यूज किया जाता है, ट्रांसफर कंप्यूटर फाइल्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में फाइल ट्रांसफर करने का काम करता है ऑन द नेटवर्क। ठीक है, इसे इस नाम से समझ आता है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, फाइल ट्रांसफर करने का काम करता है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बीच में। ठीक है, एफटीपी क्या करता है, एफटीपी एक ऐसा क्लाइंट सर्वर मॉडल बनाता है जिसमें दो चीज यूज की जाती है, सेपरेट कंट्रोल और सेपरेट डेटा कनेक्शन। ठीक है, तो अपन लिखेंगे एफ टी पी इज बिल्ड ऑन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर यूजिंग सेपरेट कंट्रोल एंड डेटा कनेक्शंस बिटवीन क्लाइंट एंड द सर्वर। इससे समझ आता है कि जो एफटीपी एक ऐसा मॉडल है जिसमें क्या होता है कि जो खुद सेपरेट कनेक्शन और सेपरेट कंट्रोल प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर के आर्किटेक्चर में। अब इसका अपन डायग्राम देखेंगे जिसके थ्रू आपको इजीली समझ में आएगा। ये क्लाइंट साइड है और ये सर्वर साइड है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो क्या होगा, यूजर इंटरफेस। ठीक है, सेकेंड होगा, मैंने अभी आपको बताया कि कंट्रोल क्या करता है, सेपरेट कंट्रोल कनेक्शन, कंट्रोल कनेक्शन प्रोसेस जो यहाँ होती है। ठीक है, थर्ड है डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। एक बार मैं अच्छे से समझा दूंगा। फर्स्ट तो ये यूजर इंटरफेस है, सेकंड क्या करता है, कंट्रोल, दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो उसको कंट्रोल करने के काम करता है। थर्ड ये डेटा ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये यूजर इंटरफेस है। ठीक है, अब इसके बीच में क्या होता है कि क्या होता होगा, टीसीपी कनेक्शन, टीसीपीआईपी कनेक्शन होता है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं डेटा कनेक्शन। डेटा कनेक्शन भी है इसमें और कंट्रोल कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन को कंट्रोल भी करके रखता है। तो सेकेंड साइड क्या होगा,
कंट्रोल प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होती है उसे कंट्रोल करके रखता है, और डेटा ट्रांसफर प्रोसेस, ठीक है, डेटा ट्रांसफर प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। ये होती है सर्वर साइड, यहाँ से भी डेटा ट्रांसफर होता है, दोनों साइड टीसीपी कनेक्शन बना हुआ है ताकि दोनों एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर कर सके इजीली, ठीक है। अब एफटीपी क्या होता है, ऐसे डिफरेंट क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल एप्लीकेशन है जो कि क्या करता है, ऐसा कनेक्ट टू कनेक्शंस बनाता है होस्ट साइट पे, होस्ट की तरह, जो एक कनेक्शन यूज करता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए और सेकेंड कनेक्शन कहीं के लिए बना के रखता है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, जैसे कमांड एंड रिस्पॉन्स, जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन रहती है उसे कमांड और रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अपन देखेंगे एफटीपी इज डिफर फ्रॉम अदर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन इन दैट इट स्टेब्लिशेस टू कनेक्शन। अभी मैंने बताया दो कनेक्शन बनाता है बिटवीन द होस्ट, होस्ट के बीच में दो ऐसे कनेक्शन बनाता है। फर्स्ट यूज होता है वन कनेक्शन, जो होता है वो वन कनेक्शन इज यूज फॉर डेटा ट्रांसफर। पहला जो कनेक्शन यूज करते हैं वो के लिए यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए, एंड द अदर फॉर कंट्रोल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, कमांड एंड रिस्पॉन्स के थ्रू, ठीक है। और एफटीपी ऐसा एक इफिशियंट प्रोटोकॉल है जो सेपरेशन ऑफ कमांड और सेपरेशन ऑफ डेटा ट्रांसफर को बहुत ही इफिशियंट तरीके से बनाया है। इसमें द सेपरेशन फॉर सेपरेशन ऑफ कमांड्स एंड डेटा ट्रांसफर मेक एफटीपी मोर इफिशियंट। इसमें इजीली क्या होता है, डेटा ट्रांसफर इजीली होता है और डेटा की जो कमांड, अपन जो कमांड देते हैं और रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो आर्किटेक्चर है वो इतना इफिशियंट है कि इजीली बहुत ही फाइल ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। एफटीपी जो है वो क्या करता है, टीसीपी की सारी सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज यूज करता है, यूजेस द सर्विसेज ऑफ टीसीपी। टीसीपी क्या होता है सभी को पता होगा, अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा है तो टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है, ठीक है। इट नीड्स टू कनेक्शन, मैंने अभी आपको बताया कि दो कनेक्शन की बहुत ही खास जरूरत है इसमें कनेक्शन। ये क्या करता है, कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है, द वेल नाउन पोर्ट 21 इज यूज्ड फॉर कंट्रोल, यूज्ड फॉर कंट्रोल कनेक्शन। 21 नंबर जो पोर्ट नंबर है वो यूज करता है, एंड द वेल नाउन पोर्ट 20 इज यूज फॉर डेटा ट्रांसफर, ठीक है। तो गाइस देखिए, एफटीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करता है। सेकेंडली, ये ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें दो सेपरेट कनेक्शंस होते हैं, फर्स्ट फॉर डेटा ट्रांसमिशन और सेकेंड फॉर सेपरेट कंट्रोल कनेक्शन के लिए, ठीक है। और ये ही जो एफटीपी है ये बहुत ही इसी वजह से बहुत इफिशियंट प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये दो पोर्ट नंबर यूज करता है, वन फॉर सेपरेट कंट्रोल कनेक्शन और डेटा ट्रांसफर के लिए, सेपरेट कंट्रोल कनेक्शन के लिए 21 यूज करता है, और जो 20 नंबर पोर्ट नंबर यूज करता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर यूज करता है वो है
वो काय के लिए करता है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए। सो गाइस आपको अगर पूरा FTP समझ आया है, आप अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, वेलकम फॉर नेक्स्ट वीडियो।